हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में लीव मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो HRMS पे आप किसी प्रकार की छुट्टियाँ लगाती हैं, चाहे तो आपका CL हो गया, LAP हो गया, LHAP हो गया, कोल छुट्टी हो गया, तो आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं छुट्टियां। उसी छुट्टियां में एक आपका जो रेलवे सिक होता है, सिक जो लीव होता है, उसको आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं फिट होने के बाद। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल से आपको कुछ मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो रेलवे अस्पताल में एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, तो उसके लिए रेलवे सिक की जरूरत होती है, जो कि आपको G8 अपने स्टेशन से कटवा के किसी रेलवे हॉस्पिटल में, आपके डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में या चाहे तो आपके ब्रांच है उसमें एडमिट होना पड़ता है। उसके बाद साथियों, जब आप वहां से फिट होके आ जाते हैं तो उस सिक छुट्टी को आपको छुट्टी अप्लाई करने के लिए होता है, तो उसके लिए प्रक्रिया होती है कि COL कमोटेटिव लीव होता है, वो अप्लाई करना पड़ता है। उसमें साथियों, आपका दो छुट्टी, एक दिन में दो छुट्टी जाएगी, दो सिक जाएगी, उस तरीके से आप कोल छुट्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप HRMS के लीव मैनेजमेंट में जाके आप किस प्रकार से COL जो कम्युनिटेटिव लीव है उसको किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसमें कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा वो भी इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और लेके चलता हूं मैं आपको HRMS क्रोम ब्राउजर के HRMS साइट पे, और वहां पे लीव मैनेजमेंट के जरिए मैं आपको सिक लीव लेके बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ HRMS के साइट के ऊपर। अब साथियों देखिए, यहाँ नेचर ऑफ लीव पे सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे कम्युनिटेटिव लीव है COL। अब यहाँ पे कह रहा साथियों लीव फ्रॉम, तो कब से जो कि लीव लेना है, 6/6/2024 लीव अप टू कर रहा है। तो यहाँ पे 5/7/2024 तक ले लिया, पूरे 30 दिन का। अब साथियों इसमें उसके बाद चलते हैं, तो कह रहा है कि HQ लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड, तो यस करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद फिर इसमें डेट मांग रहा है 5/7/2024 तक। अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, किस लिए आप लीव लेना चाहते हैं, तो इसमें जो भी रीज़न रहेगा वो हम डाल देंगे। बिहार साथियों, ये लिखने के बाद एड्रेस में लिख देंगे बिहार शरीफ नालंदा बिहार। अब करा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ से चूज फाइल पे जाएंगे, और चूज फाइल पे जाने के बाद यहाँ से मीडिया पे जाएंगे। हम मीडिया में जाने के बाद देखेंगे साथियों, यहाँ से हम अपने सर्च करेंगे PDF को। तो देखिए, ये PDF खोल के आया है और उसी PDF में उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे जैसे अपलोड किए साथियों, ये 100% हो जाएगा, तो अपलोड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप ये इसको व्यू करके देख सकते हैं कि क्या जो हमने लोड किया है वो वही है या अलग है।
ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने डाला था वही चीज़ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है जो पीडीएफ बना के डाले थे। साथियों पीडीएफ बनाने में सावधानी ये देखना होगा कि पीडीएफ का साइज है जितना मांगता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये लोड नहीं लेगा। अब साथियों यहाँ पे कह रहा है कि फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, जिसको फॉरवर्ड करना है अपने सुपरवाइज़र को उसका है जी कि आईडी उनका डालेंगे। यहाँ देखिए अब अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट्स भी और फॉरवर्डिंग कर दिए। अब साथियों एक नज़र अगर आपको मिलाना है, चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। छः छः 24 से हो गया 5/7 2024, मतलब 30 दिनों का है साथियों, लेकिन इसमें 60 दिन का ये LHAP है वो कटेगा जो कॉल के अप्लाई होगा। अब साथियों देखिए यहाँ पे अब मैं नीचे में जाता हूँ, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दी लीव एप्लीकेशन, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए साथियों आपका जो है लीव है वो सक्सेसफुली आपके सुपरवाइज़र के पास चला गया है। अब साथियों बाकी आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं। फिर से हम जाएंगे एरो बटन पे और यहाँ पे लीव मैनेजमेंट पे जाएंगे। जैसे लीव मैनेजमेंट पे जाएंगे तो माय लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पे आया फाइंड पे, फाइंड पे सर्च करेंगे साथियों ये जो हमारा अभी लीव आईडी है वो कॉल छुट्टी अप्लाई हो गया 13/7/2024 से को हुआ है 6/6/2024 से 5/7/2024 तक। साथियों 30 दिन का है लीव की एचक्यू परमिशन जारी है और देखिए यहाँ से लीव अप्लाइड है वो किनके पास लीव अप्लाइड है वो भी आपको दिख रहा है, जो अब यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। अब व्यू में साथियों देख सकते हैं तो इस तरह से आप लीव को अप्लाई कर सकते हैं कॉल छुट्टी को।